बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने कुछ महीने पहले बताया था कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर है। इरफान खान की इस खबर के साथ ही उनके फैंस में दुख की लहर दौड़ गई थी। इरफान ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी बीमारी को लेकर कई बार जानकारी दी और उनकी पत्नी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने इरफान की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की थी। इरफान खान इन दिनों लंदन में अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। इरफान खान के खत को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। इरफान खान ने अपनी बीमारी और भी लंदन में कैसा महसूस कर रहे हैं उसकी जानकारी दी है। इरफान ने अचानक आई इस बीमारी के बारे में बताया, इससे एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब इसका जो भी नतीजा हो ये भी मायने नहीं रखता, ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद या 2 साल बाद। सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। पहली बार मुझे आज़ादी के सही मायने समझ में आए हैं। इरफान का ये भी कहना है कि फिलहाल वे अपनी बीमारी और डॉक्टरों द्वारा उन पर किए जा रहे प्रयोगों का एक हिस्सा बनकर रह गए हैं। क्योंकि इस बीमारी के बारे में कम ही जानकारी है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट में अनिश्चितता की संभावना ज्यादा है। उनके मुताबिक लाइफ को लेकर उनके कई सपने थे और इसके लिए काफी कुछ उन्होंने प्लान किया था।